हेलो, ग्रीटिंग्स। जिप ईआरपी में आपका स्वागत है। हम जिप ईआरपी आज डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं और हम कोशिश करेंगे कि 20 से 25 मिनट के अंदर ये पूरा सॉफ्टवेयर का आपको एक ओवरव्यू दे दें। जिप ईआरपी जो है वो क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है और आप देख सकते हैं ऊपर हमने एक यूआरएल डाला हुआ है जिसमें से हम लॉगिन करेंगे। यहाँ पे आपको तीन फील्ड्स दिख रहा है, एंटरप्राइज, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। एंटरप्राइज जो रहेगा आपका कंपनी का नाम होगा, यूजर जो यूजर लॉगिन करेंगे और उसका पासवर्ड। जैसे ही अपने यूजर अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे, उनको एक लिस्ट ऑफ कंपनीज दिखाई देगी जो वो पर्टिकुलर यूजर के लिए ऑथराइज्ड है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी जो है वो अलग अलग कलर में आपको दिखाई दे रहा है। कोई कंपनी जो है वो ब्लू कलर में है और कोई कंपनी जो है वो रेड कलर में दिखाई दे रहा है। जो ब्लू कलर में है वो आपका हेड ऑफिस है और जो रेड कलर में है वो आपका ब्रांच ऑफिस है। तो हम आज एक कंपनी में लॉगिन करेंगे जिसका नाम है योर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ही हम वो कंपनी के अंदर लॉगिन करेंगे, ये यूजर रिलेटेड एक फील्ड दिखेगा जहाँ पे उसको दिखेगा कि वो पर्टिकुलर यूजर के लिए कुछ दो डॉक्यूमेंट जो है उसका पेंडिंग फॉर अप्रूवल है। और उसको क्लिक करने में उसे मालूम पड़ेगा कि दो सेल्स ऑर्डर जो है उसके लिए उसका अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। खैर, उसके अंदर जाने के पहले मैं आपको जिप ईआरपी का जो ओवरव्यू है वो दिखा देता हूँ। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ईआरपी, एचआरएमएस, सीआरएम एंड पीओएस, ये हमारे एड ऑन मॉड्यूल्स है जो जिप ईआरपी के साथ अगर कस्टमर को चाहिए तो हम एडिशनली दे सकते हैं। हम इसके बारे में डीपली और कुछ वीडियो में बात करेंगे, बट आपको ओवरव्यू दिखा दूं कि ये जो एचआरएमएस है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है, यानी कि जो एम्प्लॉई जब से कंपनी में ज्वाइन करता है तब से वो रिजाइन होके जाने तक उसका जो भी डिटेल्स है वो हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। जैसे कि उसका डिटेल्स, उसका पेरोल, उसका लीव मैनेजमेंट, उसका एसेट मैनेजमेंट, और पेरोल जो है आपका अटेंडेंस जो है वो आपका बायोमेट्रिक से भी सिस्टम में कैप्चर हो सकता है। और अगर कोई एम्प्लॉय बाहर जा रहा है तो उसको जियोग्राफिक लोकेशन के साथ उसका वो भी कैप्चर कर सकते हैं। सीआरएम जो है वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। यहाँ पे हम लोग प्री सेल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, यानी कि सेल होने के पहले जैसे ही कोई इंक्वायरी आता है, इंक्वायरी आके उसका कोटेशन बनने तक बहुत सारा एक्टिविटीज होता है, जैसे उसको ईमेल करना, उसको जाके पर्सनली मिलना, उसको सैंपल देना, बहुत सारा फॉलोअप्स। सारा फॉलोअप्स अलग अलग लोग भी करते होंगे, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। पीओएस जो है वो पॉइंट ऑफ सेल है, जहाँ पे सिर्फ फटाफट स्कैन किया और बिलिंग कर दिया, वो सिनेरियो जैसे आपके स्टोर्स वगैरह होगा उसके लिए पीओएस बहुत यूजफुल रहेगा। यहाँ पे जिप ईआरपी में हम लोग बेसिकली कवर करेंगे अकाउंट्स, सेल्स, परचेज, जॉब वर्क, इन्वेंट्री, प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। एंड आप राइट साइड में एक बटन देख सकते हैं, सेटिंग्स का बटन है। ये सेटिंग्स का बटन जो है वो कंप्लीट ईआरपी को यहीं से कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे आप मल्टी कंपनीज बना सकते हैं, मल्टीपल ब्रांचेस, मल्टीपल प्लांट्स, प्लांट टाइप एंड उसका स्टोर्स यानी गोडाउंस, डिपार्टमेंट्स वगैरह वगैरह। और अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में हैं तो आपका मल्टी कंट्री एंड मल्टी करेंसी भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। हमने अलग अलग सेटिंग्स अलग अलग मॉड्यूल्स के लिए मॉड्यूल वाइज दिया है। अकाउंट्स में जाएंगे तो अकाउंट्स रिलेटेड सेटिंग्स मिल जाएगा, सेल्स में जाएंगे तो सेल्स रिलेटेड सेटिंग्स मिल जाएगा। यूँ आप परचेज, इन्वेंटरी, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, एचआरएमएस, सीआरएम एंड पीओएस का अलग अलग सेटिंग्स देख सकते हैं। तो हम चलेंगे अब ईआरपी में। ईआरपी में अब हम देखेंगे कि कुछ आइटम्स जो है वो कैसे बनता है। तो हम आइटम में गए क्योंकि हम आइटम के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं एक शर्ट का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सिर्फ आपको एक व्यू दिखा देता हूँ कि आइटम में क्या क्या होता है। कोई भी आइटम उसका कोड के साथ आएगा। अगर आपने कुछ आपका कोड रहेगा तो आप अपना कोड दे सकते हैं, नहीं तो सिस्टम अपना खुद का कोड ले लेगा। आइटम का नाम, आइटम का यूनिट ऑफ मेजरमेंट, उसका ग्रुप यानी कि वो फिनिश गुड्स है, रॉ मटेरियल है, पैकिंग मटेरियल है, जो भी है, उसका कोई डिस्क्रिप्शन होगा तो डिस्क्रिप्शन भी आप दे सकते हैं। किसी ब्रांड के साथ आप ये करना चाहते हैं तो ब्रांड भी आप दे सकते हैं। इसका प्रोडक्ट ग्रुप भी दे सकते हैं जो सेल्स के लिए बहुत यूजफुल रहेगा, और स्टॉक कैटेगरी
और आइटम का कोई रिमार्क्स रहेगा वो भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। जो डिफॉल्ट स्टोर जहाँ पे ये आइटम को स्टोर करेंगे वो भी हम लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग कॉस्टिंग मेथड डिफाइन कर सकते हैं। डिफॉल्ट अकाउंट परचेज करने के टाइम पे कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा वो सारा चीज़ यहाँ से देख सकते हैं। इसका बैच नंबर चाहिए नहीं चाहिए, अगर सीरियल नंबर चाहिए, सारा चीज़ हम लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ऑल्टरनेट यूनिट्स में मल्टीपल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हम लोग कवर कर सकते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल में प्लांट वाइज मिनिमम मैक्सिमम रीऑर्डर क्वांटिटी एंड लीड टाइम हम लोग कवर कर सकते हैं। टैक्स डिटेल्स में इसका जो रिलेटेड टैक्सेस रहेगा वो हम लोग यहाँ से डाल सकते हैं। प्राइस लिस्ट में अलग अलग लोगों के लिए हम लोग अलग अलग रेट्स देते रहेंगे तो वो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि डीलर प्राइस, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस वगैरह वगैरह। आप कस्टमर वाइज भी प्राइस लिस्ट बना सकते हो। एट्रीब्यूट्स में यही आइटम का अपने पास अगर मल्टीपल वेरिएंस रहेगा तो हम लोग यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने शर्ट का एग्जांपल लिया है, क्या ये फुल स्लीव्स है, हाफ स्लीव्स है, कौन से कलर का है, कौन से साइज का है, ये सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम लोग एक ही टैब के अंदर कवर कर सकते हैं। अटैचमेंट्स में हम लोग ये आइटम रिलेटेड जितनी भी अटैचमेंट्स हैं वो हम लोग कवर कर सकते हैं। ये खास करके जो इंजीनियरिंग कंपनीज होता है जहाँ पे वो आइटम का ड्राइंग्स जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बार बार एक्सेस करना रहता है, उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। और आइटम का जेपीजी या कोई भी फॉर्मेट में आप इसको अटैच कर सकते हो। ई कॉमर्स में हमारा खुद का ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका जो B2B कस्टमर्स है जो आपको रेगुलरली ऑर्डर दे रहे हैं, वो ना आपको फ़ोन करने की ज़रूरत है ना आपको ईमेल करने की ज़रूरत है, वो अपनी मोबाइल की सुविधा से आपको डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और ये यहाँ पे आके आपको रिफ्लेक्ट होगा सेल्स के अंदर, ऑनलाइन सेल ऑर्डर में डायरेक्टली आ जाएगा। और आपको अगर बारकोड जनरेट करना है तो ज़िप एआरपी से डायरेक्टली बारकोड भी जनरेट कर सकते हैं। ये रह गया आइटम। अब मैं नॉर्मल जो बिजनेस का फ्लो है वो दिखा देता हूँ। हम जब नॉर्मली किसी को जाते हैं तो हम लोग सेल्स कोटेशन देते हैं, तो सेल्स कोटेशन यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एसओ क्रिएटेड यस और नो। तो यहाँ से आप अगर मान लीजिए एसओ यानी कि सेल्स ऑर्डर क्रिएट नहीं हुआ है तो हम लोग यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया और मैं कन्वर्ट टू सेल ऑर्डर किया तो ये यहीं से कोटेशन से सेल ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा और वो रिफ्लेक्ट करेगा सेल्स के अंडर, सेल्स ऑर्डर में रिफ्लेक्ट करेगा। और जैसे मैं सेल्स ऑर्डर में जाऊंगा तो मैं इसको कन्वर्ट टू प्रोफॉर्मा इनवॉइस और कन्वर्ट टू डिलीवरी और कन्वर्ट टू इनवॉइस, तीनों ऑप्शन मेरे पास है। अगर मैं कन्वर्ट टू इनवॉइस करता हूँ तो मेरा अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों का इफेक्ट गिरेगा, और अगर मैं कन्वर्ट टू डिलीवरी करता हूँ तो मेरा सिर्फ इन्वेंट्री में इफेक्ट गिरेगा, अकाउंट्स में इफेक्ट नहीं गिरेगा। एंड कन्वर्ट टू प्रोफॉर्मा इनवॉइस करता हूँ तो दोनों में इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके पहले मेरे पास हमेशा एक सवाल उठता है कि कस्टमर ने अगर ऑर्डर दिया है तो क्या मेरे पास वो मटेरियल है। तो मैं एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट है इन्वेंट्री के अंदर, रिपोर्ट्स के अंदर हमारे पास एक खूबसूरत रिपोर्ट है जिसके नाम है मटेरियल अवेलेबिलिटी रिपोर्ट। तो जैसे ही मैं मटेरियल अवेलेबिलिटी रिपोर्ट में क्लिक करूंगा, सिस्टम पूछेगी क्या आपको आइटम ग्रुप के सामने चाहिए या प्रोडक्ट ग्रुप के सामने चाहिए या आइटम के सामने, सेल्स ऑर्डर के सामने या प्रोडक्शन ऑर्डर के सामने। तो जैसा मैं सेल्स ऑर्डर सेलेक्ट करूंगा, अगर मेरे पास नंबर याद रहेगा तो मैं नंबर से सर्च डाल सकता हूँ या तो मैं सर्च भी कर सकता हूँ, और सर्च मैं मल्टीपल वे से कर सकता हूँ, या तो कस्टमर नेम से कर सकता हूँ, या तो मैं आइटम कोड से कर सकता हूँ, या आइटम नेम से कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे पास एक ही ऑर्डर है तो मैं यहाँ पे ये ऑर्डर लिया और फेच किया और जनरेट रिपोर्ट किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक्चुअली जो है 100 यूनिट का स्टॉक है और मेरे पास और 130 यूनिट का ऑर्डर पेंडिंग है, और मैंने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है मेरा प्रोडक्शन में 130 बनाने के लिए, और मेरे पास जो प्रोजेक्टेड बैलेंस है वो 100 रहेगा क्योंकि मेरे पास ऑर्डर सिर्फ 130 का है और मेरे पास जो है वो 30 ऑलरेडी 100 ऑलरेडी स्टॉक में पड़ा हुआ है। अगर यही रिपोर्ट मैं अगर प्रोडक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट में देखना चाहता हूँ तो भी दिखेगा, और देखिए कैसे ये रिपोर्ट बदल जाता है। जब मैं प्रोडक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट में देखूंगा तो सिस्टम मुझे बताएगा कि क्या हमारे पास ये आइटम बनाने के लिए रॉ मटेरियल है,
तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये फैब्रिक फॉर शर्ट, बटन, कॉलर, ये सारे चीज का रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, जबकि ये हार्डबोर्ड एंड पॉलिथीन बैग जो है वो मेरे पास स्टॉक में नहीं है और प्रोजेक्टेड बैलेंस में ये निगेटिव में रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, हमारे पास और एक भी रिपोर्ट है। ये सारा चीज आपको एक क्वेश्चन आता होगा कि ये कहाँ से पिकअप किया, तो ये पिकअप किया BOM से। जैसे मैं प्रोडक्शन में गया, BOM में गया, तो BOM से आपको मैं दिखाता हूँ कि हमने इस आइटम के लिए कैसे BOM बनाया हुआ है। जैसे मैंने शर्ट्स का BOM बनाया हुआ है, उसको मैं एडिट करके दिखाता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि शर्ट के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स लगेगा, जैसे कि फैब्रिक फॉर शर्ट लगेगा जो मीटर में जाएगा, बटन्स लगेंगे, कॉलर्स लगेंगे, और पैकिंग मटेरियल्स में मेरे पास हार्डबोर्ड एंड पॉलिथीन बैग लगेगा, और यहाँ से कुछ बाई प्रोडक्ट निकलता होगा तो बाई प्रोडक्ट भी डाल सकते हैं। ये क्या क्या प्रोसेस में जाएगा, जैसे कि कटिंग का प्रोसेस रहेगा, स्टिचिंग का प्रोसेस रहेगा और पैकिंग का प्रोसेस रहेगा। ये क्या इंटरनल है या मैं बाहर दे रहा हूँ, ये भी मैं यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ। और इसके लिए ओवरहेड्स क्या लगेगा, जैसे कि लेबर, इलेक्ट्रिसिटी और जो भी ओवरहेड्स आप चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये BOM से वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जैसे ही मैंने प्रोडक्शन ऑर्डर डाल दिया, तो आपने देखा कि मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है। अगर है तो आप यहाँ पे जाके गुड्स इश्यूड अगेंस्ट प्रोडक्शन ऑर्डर कर सकते हैं। फिर आप ये प्रोसेसेस वन बाय वन कंफर्म कर सकते हैं, जो तीन प्रोसेस हमने बताया था, ये प्रोसेसेस को आप वन बाय वन कंफर्म कर सकते हैं। कंफर्म होके आपका जब मटेरियल रेडी हो जाएगा, तो आप इन्वेंट्री में जाके ये GR कर सकते हैं, गुड्स रिसीव्ड अगेंस्ट प्रोडक्शन ऑर्डर कर सकते हैं। कोई कंपनी में कुछ प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि वो इंडेंट के थ्रू जाते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे आप इंडेंट रेस कर सकते हैं, जैसे ही प्रोडक्शन ऑर्डर गया तो फ्लोर से इंडेंट रेस हो जाएगा। इंडेंट के सामने जो स्टोर कीपर है वो गुड्स इश्यू करेगा और सामने गुड्स रिसीव भी होगा। अगर मेरे पास स्टॉक नहीं है तो यहाँ से परचेस रिक्विजिशन भी जनरेट होगा। और मैं आपको और एक रिपोर्ट दिखाता हूँ जिसमें आपको बहुत अच्छी तरह से दिखेगा। जैसे मैं अभी प्रोडक्शन में गया, प्रोडक्शन के अंदर रिपोर्ट्स में गया, रिपोर्ट्स के अंदर मेरे पास एक रिपोर्ट है कि मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। जैसे मैं रिक्वायरमेंट प्लानिंग में क्लिक करता हूँ और मैं बताता हूँ कि मुझे कुछ प्रोडक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट में देखना है, वापस मैं नंबर यहाँ से सर्च कर सकता हूँ। अब मेरे को 130 क्वांटिटी बनाना है, मैं फेच ऑर्डर करता हूँ और जनरेट रिपोर्ट करता हूँ। अभी मेरे पास 130 का ऑर्डर है, मान लीजिए मुझे अब 150 बनाना है। तो जैसा मैं 150 बनाऊंगा और जनरेट अवेलेबिलिटी रिपोर्ट करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है ये तीनों आइटम स्टॉक में है, बट ये दो आइटम जो है वो स्टॉक में नहीं है। और आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कर्सर मुझे आगे जाने नहीं दे रहे, क्योंकि इसके पास इसका जो है मेरे पास स्टॉक ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो ये जो दो आइटम है, ये दो आइटम मुझे शॉर्टेज हो रही है, तो ये दो आइटम को मैं सेलेक्ट करके यहाँ से परचेस रिक्विजिशन डायरेक्टली जनरेट कर सकता हूँ। और जैसा परचेस रिक्विजिशन जनरेट करूँगा वो आपको रिफ्लेक्ट होगा परचेस रिक्विजिशन में। खैर, तो हम जैसे देख रहे थे सेल्स के अंदर सेल्स कोटेशन होगा, सेल्स कोटेशन सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट होगा। फिर अगर मान लीजिए आपके पास कोई स्टॉक कोई ऑर्डर आ जाता है और आपके पास स्टॉक है, आप उस कस्टमर के लिए स्टॉक को रिजर्व करके रखना चाहते हो, तो आप स्टॉक को रिजर्व करके रख सकते हो उस कस्टमर के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो है रिसीट अगेंस्ट ऑर्डर कर सकते हैं, या तो प्रोफॉर्मा इनवॉइस जैसा हमने बताया था वो कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली इनवॉइस भी कर सकते हैं। अगर आपको पार्शियली डिलीवरी करना है तो पार्शियल डिलीवरी भी कर सकते हैं और इनवॉइस अगेंस्ट डिलीवरी बाद में आप कर सकते हैं। मल्टीपल डिलीवरीज के अगेंस्ट में एक इनवॉइस, मल्टी ऑर्डर मल्टी डिलीवरी एंड वन इनवॉइस इज ऑल्सो पॉसिबल। और बाई सम रीजन अगर मेरा सेल्स जो किया हुआ आइटम है वो वापस आ रहा है, तो मैं सेल्स रिटर्न भी यहाँ से कर सकता हूँ और उसके सामने मैं क्रेडिट नोट भी जनरेट कर सकता हूँ। सेल्स रिलेटेड रिपोर्ट्स भी हैं, वो मैं आपको बाद में रिपोर्ट्स कवर करने का टाइम दिखा देता हूँ। यहीं से आप आइटम भी बना सकते हो, अगर आप कुछ सर्विसेज सेल कर रहे हो तो सर्विसेज भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। बाकी आपका आइटम प्राइस लिस्ट, सर्विस प्राइस लिस्ट, ये सब यहाँ से मेंटेन आप कर सकते हैं।
ठीक है सर। सिमिलरली जैसा हमने सेल्स में देखा वही चीज़ हम परचेस में भी देख सकते हैं। जैसे परचेस में परचेस रिक्विजिशन किया, फिर बाद में परचेस इंक्वायरी किया, यानी कि मैंने चार लोगों को पूछा कि आप मुझे क्या रेट में दे सकते हो, तो उन लोगों ने मुझे कोटेशन दिया, तो मैं परचेस रिपोर्ट में जाके परचेस कोटेशन कंपैरिजन कर सकता हूँ कि किस किस लोगों ने क्या क्या रेट दिया, और मैं किसी वेंडर को फ्रीज करके उनको मैं ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। परचेस ऑर्डर यहाँ से ही मैं दे सकता हूँ। फिर इनवॉइस डायरेक्टली अगर कस्टमर इनवॉइस के थ्रू बेच रहा है तो वो भी हम लोग ले सकते हैं, या जीआर कर रहा है पार्शियल क्वांटिटी वो दे रहा है तो वो भी मैं रिसीव कर सकता हूँ। इनवॉइस अगेंस्ट रिसिट इज पॉसिबल, और ड्यू टू सम रीजन हमने जो भी परचेज किया हुआ है उसमें से कुछ पार्शियल क्वांटिटी या फुल क्वांटिटी रिटर्न करते हैं, तो परचेज रिटर्न फॉलोड विद डेबिट नोटिस ऑल्सो पॉसिबल। रिपोर्ट्स वी विल कवर इट ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग सेशन। एंड आइटम जैसा आपने सेल्स में देखा, इन्वेंट्री में देखा, वही आइटम आपको यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। बाई चांस अगर आप कुछ सर्विसेज परचेज कर रहे हैं तो इवन दैट कैन बी हैंडल्ड फ्रॉम हियर, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने जो प्रोसेसेस है ये हम लोग एक्सटर्नल भी कर सकते हैं। जो भी एक्सटर्नल होगा वो हम जॉब वर्क के थ्रू हैंडल करेंगे, जॉब वर्क ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, उसके सामने गुड्स इश्यू कर सकते हैं विथ अगेंस्ट ऑर्डर, एंड गुड्स रिसीव भी कर सकते हैं अगेंस्ट जो हमने ऑर्डर दिया था, डिलीवरी किया था उसके सामने। अगर कुछ छोटा मोटा काम है उसके लिए हम बाहर दे रहे हैं कोई ऑर्डर के बगैर, सिर्फ मेरा मटेरियल बाहर जा रहा है, वो जॉब वर्क होके मेरे पास तुरंत वापस आने वाला है, तो हम लोग विदाउट ऑर्डर भी इसको प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर जॉब वर्कर से कोई भी चीज़ रिटर्न आता है मेरा, दैट इज ऑल्सो हैंडल्ड इन जिप पीआरपी। जॉब वर्कर का जो इनवॉइस है वो हम लोग यहाँ से बहुत ब्यूटीफुली मैनेज कर सकते हैं। अगर जॉब वर्कर ने आपने 100 पीस के लिए जॉब वर्क का काम दिया और उसने सिर्फ 90 पीस आपको दिया, तो सिस्टम आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि सिर्फ 90 पीस का ही इनवॉइस बनना चाहिए। रिपोर्ट्स वी विल कवर इट ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग सेशन। और प्रोडक्शन में जैसे कि हम आपको देख रहे थे, हमारे पास बॉम है, हमारे पास एक एडवांस बॉम भी है जिसमें आप ये जो मल्टी प्रोसेसेस है उसको बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। मैं आपको उसका एक झलक दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने मल्टी बॉम में एंटर किया, ये आइटम है, इसको मैं एडिट करके आपको दिखाता हूँ। आइटम है एडवांस शर्ट, इस शर्ट का मैं BOM बनाया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा तीन प्रोसेसेस है, कटिंग का प्रोसेस है, स्टिचिंग का प्रोसेस है और पैकिंग का प्रोसेस है। कटिंग का प्रोसेस जो है ये कटिंग डिपार्टमेंट करेगा, ये इन एक्सटर्नल प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि मैं बाहर दे रहा हूँ, ये कौन करेगा? कटिंग जॉब वर्क वेंडर करेगा। और इसके लिए कितना समय लगेगा? 7 घंटा लगेगा। और इसका चार्ज कॉस्ट कितना होगा ये आप डिफाइन कर सकते हैं। इसको एक्सपैंड करने में आपको मालूम पड़ेगा कि क्या आइटम इश्यू कर रहा हूँ और उसके सामने क्या आइटम मैं पा रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं फैब्रिक फॉर शर्ट्स मीटर में दे रहा हूँ और मुझे शर्ट पीस जो है वो पीसेस में रिसीव कर रहा हूँ वो जॉब वर्कर से, ठीक है। ये जो चीज़ मैं रिसीव कर रहा हूँ ये मेरा अगला प्रोसेस के लिए इनपुट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शर्ट पीस जो है वो जो यहाँ पे रिसीव हुआ था वो यहाँ पे इश्यू हो रहा है, और शर्ट पीस के साथ साथ मैं कोई बटन्स, कॉलर्स, थ्रेड, ये सारा चीज़ दे रहा हूँ, और मुझे सामने से मिलेगा रेडी शर्ट बिफोर पैकिंग, यानी कि मेरा शर्ट बन के आ रहा है। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो है ये इंटरनल प्रोसेस है, मेरे फैक्ट्री के अंदर बनेगी, और यादव जी जो है वो इसका इंचार्ज रहेंगे, और कौन सा मशीन में होगा और कितना टाइम लगेगा उसके लिए और उसको कुछ कॉस्ट होगा तो वो भी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। जैसे ही मेरे पास ये रेडी शर्ट आ जाता है बिफोर पैकिंग, वो मेरा अगला प्रोसेस में जाएगा जो कि पैकिंग प्रोसेस है। यहाँ पे मैं उसको आयरन करके पैक कर दूंगा और मेरा शर्ट जो है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एडवांस बॉम है। अगर ड्यू टू सम रीजन आपको इसके अंदर भी कुछ आपको प्रोसेस बनाना है तो आप यहाँ से भी प्रोसेस बना सकते हो, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कभी होता है कि मैं यान दूंगा, यान का फिर डाइंग होगा, डाइंग के बाद प्रिंटिंग होगा, फिर बाद में मेरा फैब्रिक फॉर शर्ट बनेगा, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो।
मल्टी बॉम में आपका फैसिलिटी यह है कि आपको सिर्फ एक ही बार बनाना है, इवन नॉर्मल बॉम में भी आपको बॉम एक ही बार बनाना है, राइट। तो हम लोग थे प्रोडक्शन में, और प्रोडक्शन के अंदर हमने देखा कि प्रोडक्शन प्लानिंग रिक्वेस्ट भी हम लोग कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर हम लोग प्लेस कर सकते हैं, एडवांस बॉम अभी आपको दिखाया, एडवांस प्रोडक्शन ऑर्डर अगेंस्ट एडवांस बॉम हम लोग कर सकते हैं, GI जो आपने इन्वेंट्री में देखा था वही चीज यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। GI स्टैंड फॉर गुड्स इश्यू एंड GR स्टैंड फॉर गुड्स रिसीट, ठीक है। अभी हम आपको कुछ रिपोर्ट्स की ओर लेके चलते हैं। बिफोर वी गो इनटू द रिपोर्ट्स, लेट मी जस्ट शो यू व्हाट आर द अदर फीचर्स अवेलेबल। जैसे ही मैं कोई इनवॉइस प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे कोई इनवॉइस नहीं है तो मैं एक इनवॉइस जनरेट कर देता हूँ। कोई कस्टमर के लिए, ये गुजरात कस्टमर के लिए मैं बेच रहा हूँ मेरा मेन प्लान से, मेरा फिनिश्ड गुड्स गोडाउन से। मेरे पास शर्ट्स पड़ा हुआ है जो मैं अभी इनको सेल करूंगा, 10 पीस। आप देख सकते हैं कि रेट जो है सिस्टम ने ऑटोमेटिक ले लिया है, क्योंकि ये कस्टमर के लिए हमने प्राइस लिस्ट असाइन किया हुआ है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं, या आपको कुछ डिस्काउंट देना है तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से ऐड किया, यहाँ पे आप कुछ सर्विसेज ऐड करना चाहते हैं तो सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, एनी अदर एडिशन और डिडक्शन आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसका एक अलग टैम्पलेट भी है, ठीक है। और यहाँ पे बिलिंग कहाँ पे करना है, डिलीवरी कहाँ पे करना है, शिपिंग कहाँ पे करना है, ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अगर उस कस्टमर ने कुछ एडवांस दिया रहेगा तो एडवांस एडजस्टमेंट हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, और आप प्रीव्यू में देख सकते हैं कि कौन सा आइटम डेबिट हुआ और कौन सा लेजर जो है वो क्रेडिट हुआ है। अब हमने आइटम लेवल पे इसका टैक्सेशन नहीं डाला है तो सिस्टम टैक्सेशन नहीं लिया है, जबकि सिस्टम ने समझ लिया है कि ये गुजरात कस्टमर है तो CGST SGST लग जाएगा, बट इट हैज़ नॉट टेकन द टैक्सेस बिकॉज वी हैव नॉट पुट इट टू द मास्टर्स। और अगर आप यही चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो आप सिर्फ एक्सपोर्ट इनवॉइस में चेक करना है, बाकी जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी रूल्स है, पोर्ट ऑफ लोडिंग एंड पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, शिपिंग बिल डेट वगैरह वगैरह, ये आपको डालना है। वो एक्सपोर्ट कोई भी कस्टमर्स होगा, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। जो भी एक्सपोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो ZIP ERP में रेडी है, इंक्लूडिंग दी मल्टी करेंसी रिपोर्ट्स, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। लेट मी सी कि ये मटेरियल मेरे पास स्टॉक में है कि नहीं है। मैंने फिनिश गुड्स गोडाउन लिया था, यस फिनिश गुड्स गोडाउन में मेरे पास 100 क्वांटिटी है, तो उसमें से मैं अब 10 क्वांटिटी ले रहा हूँ और इसको सेव कर रहा हूँ। देखिए मैंने बैच नंबर इनेबल किया था तो सिस्टम इसको बैच के बगैर आगे नहीं जाने देगा, जहाँ पे भी आप बैच नंबर इनेबल किए हैं। आपको बैच नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम खुद याद रखेगा। यहाँ पे आप सिर्फ सेलेक्ट करने में आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्वांटिटी क्या है, 10 नंबर, उसको ओके कर दिया, और आप यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम ऑटोमेटिक जो एट्रीब्यूट है वो ले लिया है। ये जो शर्ट है ये फुल स्लीव्स का है, ब्लू कलर का है, और लार्ज साइज का हम दे रहे हैं। ए बैच का वही एट्रीब्यूट्स का मेरे पास स्टॉक है। तो जैसे ही मैं इसको सेव कर दूंगा, आप देख सकते हैं कि इसका जो है मेल ऑटोमेटिक कस्टमर के पास चला जाएगा। इसका प्रिंट प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू के लिए आप चिंता करने की कोई जरूरी नहीं है, आपको जो फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट में हम लोग आपको दे सकते हैं। मैं आप सेल्स में जाके, इनवॉइस में जाके आपको दिखा दूं कि आप इसमें से क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि कोई इनवॉइस सेलेक्ट किया तो यहाँ से ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं, सिस्टम अपने आप आपको ईवे बिल जनरेट करके दे देगा। अगर आप ई इनवॉइसिंग कैटेगरी में अभी हैं या फ्यूचर में आएंगे तो आप ई इनवॉइस भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका कुछ सप्लीमेंट्री इनवॉइस बनाना है, इसको एडिट करना है, ये सारा चीज़ आप कर सकते हैं, राइट। तो हम अब चलते हैं कुछ रिपोर्ट्स की तरफ। पहले हम लोग चलते हैं डैशबोर्ड में, MIS डैशबोर्ड में। MIS डैशबोर्ड में आपको एक बर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएगा कि आपका टॉप 5 प्रोडक्ट्स सोल्ड क्या है।
अभी हमने एक शर्ट बेचा था तो ये शर्ट दिखा रहा है। अगर आपका बहुत सारा आइटम होगा तो सिस्टम यहाँ पे दिखाएगा कि आपका टॉप 5 प्रोडक्ट सोल्ड कौन सा है, आपका ग्रुप अकाउंट्स क्या है, कैश इन हैंड कितना है, बैंक अकाउंट्स क्या है, ये सारा चीज़ आपको दिखाई देगा। और इसमें से आप ड्रिल डाउन करके वाउचर लेवल तक जा सकते हैं। सिर्फ आपको एक एग्जांपल देने के लिए मैंने वेंडर में क्लिक किया तो सिस्टम अपने आप उठा के लेके जाएगा कि किस किस वेंडर को कितना कितना देना है। उसको क्लिक करने में उस वेंडर का वाउचर लेवल तक जा सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक अलग विंडो में खुला हुआ है ताकि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो वैसा का वैसे ही रहेगा। ठीक है सर, तो हम लोग चलते हैं कुछ रिपोर्ट्स की तरफ। हम लोग थे डैशबोर्ड्स में। डैशबोर्ड्स में आपको इन्वेंट्री रिलेटेड डैशबोर्ड भी दिखेगा, जहाँ पे आइटम कौन सा मिनिमम लेवल में पहुँच गया, कौन सा मैक्सिमम लेवल में पहुँच गया, वो दिखेगा आपको। ठीक है, सेल्स में आपका सेल्स का परफॉर्मेंस दिख जाएगा। पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स में आप जो जो भी डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है वो यहाँ पे आपको अपडेट करने के लिए मिल जाएगा। अब हम चलते हैं अकाउंट्स की तरफ। अकाउंट्स में हमारे पास दो तरह का रिपोर्ट है, एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जो है आपका सारा ब्रांचेस प्लांट सब पुट टुगेदर यू विल गेट अ कंसोलिडेटेड रिपोर्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंसोलिडेटेड ब्रांच वाइज स्टोर वाइज स्टॉक विथ सेल्स, कंसोलिडेटेड HSN वाइज स्टॉक रजिस्टर, ये वैसे ये कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है। कंसोलिडेटेड आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी मिल जाएगा। और आपका जो ब्रांच वाइज इनकम एंड एक्सपेंस कंपैरिजन है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स है। मैं 2 मिनट थोड़ा आराम से स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप इसके गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। कंसोलिडेटेड GST रिपोर्ट्स भी मिल जाएगा आपको, किस किस आइटम का किस किस बैच का पड़ा है वो आपको मिल जाएगा। कंसोलिडेटेड TDS डिटेल्ड लेजर आपको मिल जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंस कंपैरिजन रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नॉर्मल रिपोर्ट, नॉर्मल अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स की। ये जब मैं नॉर्मल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये रिपोर्ट जो है इस कंपनी रिलेटेड दिखेगा, यानी कि जिस जिस कंपनी या जिस ब्रांच में हमने लॉगिन किया है उसका रिलेटेड रिपोर्ट है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स, आउटस्टैंडिंग पेएबल्स, एज एनालिसिस, ठीक है, एग्जीक्यूटिव वाइज आउटस्टैंडिंग ये आपको मिल जाएगा। कैश डिस्काउंट अगर आपने दिया होगा तो कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन हो जाएगा। आपका ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, PNL ये सब यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि ये सारा स्टेटमेंट्स है, जैसे कि लेजर रिपोर्ट हो गया आपका, बिल वाइज लेजर देखना है तो बिल वाइज लेजर, आपका डे बुक, कैश बुक, बैंक रिको, ये सारा चीज यहाँ से आप कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था, आपको फॉरेन करेंसी रिपोर्ट्स यहाँ पे सारा मिल जाएगा, इंक्लूडिंग द फॉरेक्स गेन एंड लॉस। यानी कि आप इनवॉइस करने के टाइम डॉलर का कुछ रेट था और पेमेंट रिसीव करने के टाइम पे रेट कुछ और था, एक्सचेंज रेट, तो उसका गेन एंड लॉस का रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू कैन सी दैट ऑल द GSTR रिपोर्ट्स आर अवेलेबल राइट फ्रॉम द PRP। आप यहीं से जनरेट कर सकते हैं। इन अभी फिलहाल हम लोग एक्सेल में भी डाउनलोड अलाउ कर रहे हैं, .json में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी जो है TCS TDS रिपोर्ट्स जो है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। थोड़ा मैं 2 मिनट पॉज कर रहा हूँ। अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको पॉज करके आप देख सकते हैं कि क्या क्या रिपोर्ट्स अवेलेबल है। यहाँ पे आपके जो यूजर्स हैं उनके लॉग इन लॉग आउट रिपोर्ट मिल जाएगा कि किस किस ने कब कब लॉग इन किया था। ठीक है, अब हम चलते हैं सेल्स की रिपोर्ट की ओर। सेल्स रिपोर्ट्स, जैसे ही मैं सेल्स के रिपोर्ट्स में गया आप देख सकते हैं कि एक बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट का पेज खुल जाएगा, जहाँ पे कि आप ये सारा रजिस्टर्स देख सकते हैं। मेरा सेल्स कोटेशन रजिस्टर, सेल्स ऑर्डर रजिस्टर्ड, एट्रीब्यूट वाइज सेल्स ऑर्डर रिपोर्ट वगैरह
सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिटी वाइज, स्टेट वाइज, एरिया वाइज, एजेंट वाइज, एग्जीक्यूटिव वाइज सेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। चैनल वाइज, टेरिटरी वाइज सेल्स, आप जो चाहें वो रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एजेंट वाइज सेल्स अवेलेबल है, एग्जीक्यूटिव वाइज सेल्स, एग्जीक्यूटिव वाइज सेल्स का कमीशन भी आप देख सकते हैं, और सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ से आप देख सकते हैं कि सेल्स रिबेट सेटलमेंट अकाउंट, ये अगर आप कुछ रिबेट स्कीम वगैरह चलाते हो तो आप स्कीम भी जिप एआरपी के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। आपने क्रेडिट को कितना यूटिलाइज किया है वो रिपोर्ट अलग से मिल जाएगा। ये सारा रिपोर्ट जो है, इफ यू गो डीपर, इट विल गिव यू मोर वैल्यू टू योर बिजनेस। अगेन, हमने कोई कस्टम रिपोर्ट दिया हुआ है, जैसे कि आप पाइवट टेबल में बनाते हैं, वैसा आप अपने हिसाब से जो रिपोर्ट्स हैं ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके सेव करके रख सकते हैं, और आपको जो रिपोर्ट्स हैं वो आपके हिसाब से आप खुद कस्टमाइज करके पा सकते हैं। यहाँ पे हमने कोई एनालिटिकल रिपोर्ट दिया हुआ है, जो आजकल लोग जो हैं बीआई टूल्स यूज करते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, क्योंकि जो डाटा एंट्री हम कर रहे हैं उसका पूरा उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कस्टमर वाइज, डिवीजन वाइज सेल्स, प्रोडक्ट ग्रुप वाइज, मंथ वाइज सेल्स, आइटम वाइज, मंथ वाइज सेल्स, कौन सा आइटम है जो जो जिस महीने में ज़्यादा बिकता है, तो मैं उसके उसका जो है प्रोडक्शन के लिए मैं अगला ईयर प्लानिंग कर सकूं। ये सारा चीज़ आप अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, तो जिप एआरपी जो है आपको बहुत हेल्प करेगा। लेफ्ट साइड में हमने दे रखा है पेंडिंग रिपोर्ट्स, जिसमें आपको सारा पेंडिंग, जैसे कि प्लांट वाइज पेंडिंग सेल ऑर्डर कितना है, टोटल पेंडिंग सेल ऑर्डर कितना है, ये सारा रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। शिपमेंट स्टेटस अपडेट आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इनवॉइस बना दिया, बनाने के बाद मुझे एलआर नंबर आया, मुझे अपडेट करना है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। पेंडिंग फॉर्म्स अगर किसी कस्टमर से लेना है तो वो मिल जाएगा आपको। फोर क्लोज्ड सेल्स ऑर्डर मिल जाएगा आपको, ये सारा रिपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। हम 25 की ओर चलते हैं, 25 में भी हमारे पास काफ़ी अच्छा रिपोर्ट्स है। जैसे कि मैं 25 के अंदर रिपोर्ट्स के अंदर क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं कि परचेज रिक्विजिशन लेट जो है, जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया था, परचेज कोटेशन कंपैरिजन आप कर सकते हैं, ठीक है। आप मंथ वाइज परचेज, डेट वाइज परचेज, आइटम वाइज परचेज, वेंडर वाइज परचेज, यानी कि एक आइटम मल्टीपल वेंडर से खरीद सकते हैं, एक वेंडर जो है मल्टीपल आइटम दे सकता है, परचेज रेट वेरियंस, कौन सा आइटम आपने किस किस वेंडर, एक आइटम आपने अनेक वेंडर से लिया रहेगा, तो कौन सा वेंडर ने किस तारीख को आपको क्या रेट में दिया था, जो आपका एवरेज रेट क्या था ये परचेज करने का, और उस वेंडर से आपने खरीदने के टाइम पे वो कितना ऊपर या नीचे दिया, वो आप इस रिपोर्ट से देख सकते हैं। बाकी पेंडिंग रिपोर्ट्स आप इसमें भी देख सकते हैं, और यहाँ पे भी हमने कोई कस्टम रिपोर्ट दिया हुआ है, ताकि आप जो है कस्टम रिपोर्ट आप अपने हिसाब से आप कस्टमाइज करके देख सकते हैं। एक बार मैं स्क्रीन को स्लो ले रहा हूँ, अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप इसको फ्रीज करके आप रिपोर्ट्स को डिटेल में देख सकते हैं। इन्वेंट्री में हम चलते हैं, इन्वेंट्री या जॉब वर्क, जॉब वर्क रिलेटेड रिपोर्ट्स आपको दिख जाएगा यहाँ पे, जैसे कि जॉब वर्क ऑर्डर हमने कितना दिया है, गुड्स इश्यू कितना किया है जॉब वर्कर के लिए, गुड्स रिसीव कितना किया है, गुड्स रिटर्न कितना किया है उसने, ठीक है। पेंडिंग जॉब वर्क ऑर्डर रिपोर्ट, पेंडिंग जॉब वर्क कंजम्पशन रिपोर्ट, जॉब वर्क पेंडिंग सर्विस इनवॉइस रिपोर्ट, यानी कि मेरे मटेरियल आ गया मगर उससे बिल नहीं आया, वो हम देख सकते हैं। एमआईएस रिपोर्ट जॉब वर्क में आप देख सकते हैं कि जॉब वर्क ऑर्डर का ट्रैकिंग कर सकते हैं, जॉब वर्क ऑर्डर ट्रैकिंग अगेंस्ट प्रोडक्शन ऑर्डर आप कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर का ट्रैकिंग रिपोर्ट एंड जॉब वर्क गुड्स इश्यू ट्रैकिंग रिपोर्ट विदाउट ऑर्डर। जैसे हमने शुरुआत में बताया था, आप विदाउट ऑर्डर भी जॉब वर्क को दे सकते हैं, तो उसका रिपोर्ट भी आप ट्रैकिंग करना है तो आप ट्रैक कर सकते हो। अब हम चलते हैं इन्वेंट्री की ओर, जो कि हमारी स्ट्रेंथ है।
तो हम इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स की ओर चलते हैं। आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा लिस्ट है इन्वेंट्री का, और यहाँ पे आपको स्टॉक समरी मिल जाएगा, स्टॉक समरी विथ वैल्यू, स्टॉक समरी मूवमेंट वाइज, आपका आइटम कौन कौन सा है जो मिनिमम लेवल में पहुंच गया है, कौन कौन सा आइटम मैक्सिमम लेवल में पहुंच गया है, कौन सा आइटम को आपको ऑर्डर कर लेना चाहिए, ये सारा चीज आपको यहाँ से मिल जाएगा। बाकी रजिस्टर्स में आप देख सकते हैं GR, गुड्स डिलीवरी रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, गुड्स इश्यूड, प्रोडक्शन के लिए आपने कितना किया है, प्रोडक्शन से आपने गुड्स रिसीव कितना किया है, ये भी आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, अगर आप इंडेंट के सिस्टम फॉलो करते हैं तो इंडेंट रजिस्टर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। बाकी हमारे पास जो बैच वाइज स्टॉक विथ रेट्स है, ये बहुत बढ़िया रिपोर्ट है, और हमारे पास बैच ट्रैकिंग रिपोर्ट भी है। अगर कोई कस्टमर जो है फूड इंडस्ट्री में है, तो कोई आइटम बनाने के लिए आप क्या-क्या रॉ मटेरियल के इस्तेमाल किया, और उस रॉ मटेरियल आपने किस वेंडर से खरीदा, वो लेवल तक आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप सीरियल नंबर मेंटेन कर रहे हैं तो सीरियल का स्टेटस, जैसे हमने शुरुआत में बताया था एट्रीब्यूट वाइज स्टॉक, सारा रिपोर्ट आपको मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 मिनट के लिए थोड़ा स्लो चलता हूँ। अगर आपको कोई रिपोर्ट्स की वो ध्यान से देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जिस नंबर से आपको ये वीडियो का लिंक आया है, आप वहीं पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल बी ओनली हैप्पी टू हेल्प यू। प्रोडक्शन प्रोडक्शन रिलेटेड मेरे पास काफी रिपोर्ट्स हैं जो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जैसे कि प्रोडक्शन में मेरा आइटम वाइज प्रोसेस वाइज लॉस, या प्रोसेस वाइज आइटम वाइज लॉस, प्रोडक्शन ऑर्डर अगेंस्ट सेल्स ऑर्डर, डेट वाइज प्रोडक्शन क्या हुआ, आइटम वाइज प्रोडक्शन क्या हुआ, ग्रुप आइटम वाइज, ग्रुप वाइज, मंथ वाइज प्रोडक्शन, ठीक है, और गुड्स इश्यूड अगेंस्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन रजिस्टर, ये मिल जाएगा कि प्रोडक्शन के लिए मैंने कौन कौन सा गुड्स इश्यू किया है, GR कितना किया है, एट्रीब्यूट वाइज GR मेरा पास यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने कोई कस्टम रिपोर्ट दे रखे हैं जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके ले सकते हैं। ZipERP में हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल भी है, तो क्वालिटी कंट्रोल भी आप ZipERP से कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर योर टाइम, और हम ये आशा करते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा, और आपको कोई भी डाउट है या आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें हमेशा कांटेक्ट कर सकते हैं। यह हमारी खुशी होगी कि हम आपको सहायता करें। थैंक यू, धन्यवाद।